हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जीबी व्हाट्सएप में डबल टिक कैसे हटाएं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं आपको चीज़ दिखा डबल टिक क्या हटाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीबी अपने व्हाट्सएप से जीबी व्हाट्सएप मैसेज किया मैंने, ठीक है ना। जैसे मैंने हाई किया, ठीक है ना, ये मैसेज मैंने करता गया, ठीक है। ये देखिए मैसेज जा रहा है तो डबल टिक हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए डबल टिक आपको देखने को मिलता है, इसी को डबल टिक कहते हैं। और इसी को हटाना है, यानी कोई बंदा मुझे मैसेज भी करेगा, ठीक है ना, तो उसको नहीं मालूम चलेगा कि आप मैसेज हमारे पास पहुंचा है। उसके पास तो चला जाएगा, जैसे अगर सिंगल टिक होता है, कोई मैसेज आता है सिंगल टिक होगा यानी हमारे पास चला गया, और उसके पास पहुँचते ही जो भी मैसेज गया होता है उस पर डबल टिक हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर चाहते हैं कि कोई मैसेज मुझे करे और वो मैसेज मुझे मेरे पास आ जाए लेकिन उसको ना मालूम चले कि वो मैसेज मेरे पास पहुंच गया है, इसके लिए उसके मोबाइल में बस सिंगल टिक शो करेगा। अब हमको ये डबल टिक हटाने के लिए क्या करना है, अभी तो ये तो चला गया है, लेकिन अब मैं सेटिंग जो कर दूंगा उसके बाद जब भी कोई मुझे मैसेज करता है तब मुझे बस सिंगल टिक जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ करने के बाद दो तरीके होते हैं। पहले मैं दिखाया था आपको, पहले जीबी व्हाट्सएप ऐप ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब जीबी ये देखिए यहाँ पर जो मैसेज आया है इसी व्हाट्सएप में आया है, अपने ही व्हाट्सएप में मैंने किया था। तो दो तरीके होते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई सिंगल ऐप कंटेक्ट के साथ, सिंगल पर्सन के साथ आपको ये चाहते हैं कि अगर ये मुझे मैसेज करे तो उसको बस सिंगल टिक दिखे, यानी उसके व्हाट्सएप में डबल टिक हटा दें, तो सिंगल पर्सन के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, इनके नाम पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और यहाँ पर देता है कस्टम प्राइवेसी, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सेकेंड टिक, यहाँ पर देखिए सेकेंड टिक का ऑप्शन देता है, इसको इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको टिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए जब हम इसको एक बार हटा दीजिएगा इस तरह, फिर से हम अपने व्हाट्सएप से इसको इसमें जीबी व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, ठीक है। ये मैंने मैसेज करना चालू किया, देखिए यहाँ पर मैसेज आ भी गया है। चलिए मैं एक दो बार और कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ भी गया है लेकिन सिंगल टिक ही जा रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैसेज मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैसेज तो आ चुका है उस व्हाट्सएप में, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगल टिक है, सिंगल टिक है, सिंगल टिक है, सिंगल टिक है और सिंगल टिक है, ठीक है। तो इस तरह करके बहुत सारे सिंगल सिंगल टिक देखने को मिल रहे हैं आपको, तो जो बहुत ही आसानी है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आपको पूरे व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप पर ये चीज़ करना है, पूरे जीबी व्हाट्सएप में जो भी कांटेक्ट होगा सभी के साथ करना है, तो आप तो एक तो सिंगल सिंगल कर सकते हैं, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा चीज़ करने के लिए आपको ट्रिपल डॉट पे जाएंगे, जीबी सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको मिल जाएगा कंटेक्ट प्राइवेसी और ग्रुप प्राइवेसी। अगर आप चाहते हैं ग्रुप के साथ भी ऐसा हो जाए तो ग्रुप में करना होगा, अगर आप चाहते हैं बस कंटेक्ट पर तो केवल कंटेक्ट पे क्लिक करना है। तो हमको कंटेक्ट पे जाकर यहाँ पर सेकेंड टिक को क्लिक सेकेंड टिक को क्लिक करके ओके पे क्लिक करके देन ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमको ग्रुप में भी अगर चाहते हैं तो ग्रुप में भी क्लिक करके टिक कर दीजिएगा, और इसके बाद अब हमको व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज करेगा तो उसके साथ ये होगा। अगर मान लीजिए इसमें भी देखेंगे कस्टम प्राइवेसी, अगर यहाँ से हम हटा भी देते हैं, यहाँ से हम इनेबल भी कर देते हैं, तब पर भी जब मैसेज आएगा, ठीक है, अगर मैसेज कोई करता है तो डबल टिक नहीं जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं वहाँ पर अपने पर एक सिंगल आया, सिंगल जो मैंने किया था उसको कस्टम प्राइवेसी को हटा भी दिया तब पर भी ये सिंगल टिक ही जाएगा। अब हम इसको देख भी लेंगे तब पर भी यहाँ पर सिंगल टिक ही जाएगा और ब्लू टिक नहीं जाएगा या फिर डबल टिक नहीं जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।